सदस्यों, माननीय उपसभापति जी, माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी, माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी, प्लीज कृपया कृपया सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी बात रख रहे हैं, बोलने दे। आप सबसे आग्रह है कृपया अपनी जगह बैठें। माननीय सुधांशु त्रिवेदी, सभापति महोदय, जैसा कि मैं उस समय चर्चा कर रहा था कि राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में हाल ही में संपन्न चुनावों के विषय में जो बात कही गई, उस संदर्भ में मेरा कहना था कि नीति, नियत, निष्ठा और निर्णय के विकास के प्रति यह समर्पित विश्वास के प्रति यह समर्पित जनादेश था। इस चुनाव में कई और विशेषताएं रही। भारत के लोकतंत्र को एक नए स्वरूप में और एक नया विस्तार पाने का अवसर प्राप्त हुआ। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से चुनाव संपन्न हुए और जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर, बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, सिर्फ माननीय सुधांशु त्रिवेदी की आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है, जिस प्रकार की लोगों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की, यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत सुखद संयोग रहा। अगर जम्मू और उधमपुर में 68 और 72% वोटिंग हुई तो ये भी ये देखने को मिला कि कश्मीर घाटी में, अनंतनाग में 53% और बारमूला में 59% पोलिंग हुई, जो आज तक कभी भी इतनी पोलिंग चुनावों में सहभागिता नहीं रही थी। लोकतंत्र के इस पर्व की, इस अवसर को निश्चित रूप से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। यद्यपि हमारे विरोधी कुछ अधिक उत्साह और उच्छृंखलता में दिखाई पड़ते हैं, परंतु इन चुनावों में हमारी सरकार की स्वीकार्यता और विस्तार एक नए आयाम तक पहुंचा है। पहली बार हमने उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है, और हमारे विरोधी शायद भूल ही गए कि श्री नवीन पटनायक इससे पहले वहां कभी कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था। अंतिम मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग जी थे जो कांग्रेस के थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि उनको अब वो विषय विस्मृत हो गया है, यानी उन्होंने मान लिया कि वो उड़ीसा में अब सत्ता की लड़ाई में ही नहीं। दूसरा विषय इस चुनावों के संदर्भ में दक्षिण भारत का विषय आया था। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विरोधी और विशेषकर कांग्रेस पार्टी इस विषय को बहुत उठाते थे कि दक्षिण भारत में उनका बहुत प्रभाव है, तो मैं बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन ने और भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में भी कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करके दिखाए। तेलंगाना में हमारे 8 सीटें ही नहीं है, हमारा मत प्रतिशत 35% है। कर्नाटक में हमारा मत प्रतिशत 45% है। केरल में हमारी 1 सीट आई है मगर 17% मत है। और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तमिलनाडु में कांग्रेस को 10.25% वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी को 11.5% वोट मिला है। यानी तमिलनाडु में भी हमने पहली बार 2.5 अंक में मत प्रतिशत प्राप्त किया है और कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। यानी किसी जमाने में जब उनका नारा हुआ करता था कि सारे भारत से नाता है और सरकार चलाना आता है, आज वस्तुस्थिति ये हो गई कि इस चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने को मोदी जी के नेतृत्व में सारे भारत से नाता स्थापित करके एक वास्तविक अर्थों में पूरे भारत में अपना प्रभाव रखने वाली और जन समर्थन प्राप्त करने वाली राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में अपने को स्थापित किया। ये चुनाव पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले बहुत अलग था। बिंदु क्रमांक 5 पर राष्ट्रपति महोदय ने स्मरण दिलाया कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने इन 5 वर्षों में। महोदय, हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसको पीछे छोड़ के बने? उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बने जिसने कभी हमारे ऊपर हुकूमत की थी। और हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, हम दुनिया के 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, हम दुनिया के 3रे बड़े सोलर एनर्जी के मैन्युफैक्चरर बने, हम दुनिया के 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने,
आज डोमेस्टिक सिविल एविएशन का सेक्टर भारत का दुनिया में तीसरे नंबर का हो गया है और हम दूसरे नंबर के मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर बनाने वाले देश बने और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम दुनिया के नंबर वन के देश बने और डिजिटल पेमेंट में हम दुनिया में नंबर वन के देश बने। और महोदय इतना ही नहीं हुआ, पिछली लोकसभा और इस लोकसभा के बीच में चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश बने जिसका राष्ट्रपति महोदया ने उल्लेख किया। निश्चित रूप से उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, परंतु प्रधानमंत्री जी का निरंतर संवर्धन, सहयोग और संबल उन्हें प्राप्त होता रहा। महत्वपूर्ण बात यह रही कि उस पॉइंट का नाम प्रधानमंत्री जी ने क्या रखा, पॉइंट शिव शक्ति, यानी हमारी स्त्री शक्ति को वो स्थान चांद की ऊंचाई तक देने का काम किया। और यहीं पर मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय, इसी समय देश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उससे हमें लड़ना है, और दूसरी तरफ हमारा संकल्प ये है कि उस शक्ति को चांद की ऊंचाई तक ले जाकर स्थापित करना है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। महोदय मैं एक बात और कहना चाहूंगा, चुनाव संपन्न हुए मगर ये चुनाव एक मामले में इस देश के अद्भुत चुनाव थे। सामान्यतः चुनाव होते हैं, चुनाव परिणाम के दिन एक पार्टी के कार्यालय में मिठाई बंटती है, धूम धड़ाका होता है, दिवाली होती है और दूसरे की जगह गलियारे खाली नजर आते हैं। मगर ये चुनाव एक ऐसे चुनाव थे महोदय जहां दोनों जगह मिठाई बंट रही थी, दोनों जगह पटाखे छूट रहे थे, भाजपा कार्यालय में भी और कांग्रेस कार्यालय में भी। ऐसा क्यों हो रहा था? हमें तो स्पष्ट बहुमत मिला, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, मगर वहां पर तालियां क्यों बज रही थी? महोदय मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। उसका कारण यह है महोदय कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स पाए तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है, और धड़ाधड़ फेल होने वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स पा के अगर थर्ड डिवीजन पास हो जाए तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है। मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, एक जो हमारे कांग्रेस के साथियों में बहुत उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है, तो मैं एक अपना अनुभव बताना चाहता हूं। हमारे जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें याद होगा कि उस जमाने में जब परीक्षा का परिणाम आता था तो सिर्फ डिवीजन पता लगती थी, फर्स्ट डिवीजन एक रोमन में, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। एक हम लोगों के मोहल्ले में सज्जन थे, वो थर्ड डिवीजन पास हुए, एक लड़का, और एक फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। फर्स्ट डिवीजन वाला मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो फर्स्ट डिवीजन वाले के यहां खुशी नहीं थी, तो दूसरे ने पूछा, भाई तुम थर्ड डिवीजन पास हुए हो तो तुम्हारे अंदर खुशी क्यों है, इतनी खुशी क्यों है? तो जानते थर्ड डिवीजन वाले ने क्या जवाब दिया, साहब ये तो फर्स्ट डिवीजन आए ना, एक हमारे तो 3 हैं, फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड। तो ये हमारे सहयोगी फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स का जो उल्लास मना रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि वस्तु स्थिति यह है कि 3 साल मिलाकर 42, 44, 52 और 99 मिलाकर इनके उतने नहीं है जितने अकेले भारतीय जनता पार्टी के 240। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं 1984 के बाद से आज तक 40 साल में कभी कांग्रेस को 240 सीटें नहीं मिली। पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में 232 मिली थी, बाद में उनकी कुछ सीटें बढ़ी थी, यानी जो 40 साल में मुकाम नहीं हासिल हो पाया उसके बावजूद उन लोगों की जिस प्रकार की उच्छृंखलता दिखाई पड़ती है उसके लिए मैं कहना चाहता हूं इन्होंने कितनी कोशिश कर ली, मगर प्रधानमंत्री जी तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। तो इन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा मैं, एक लाइन प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा
उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और ये 44, 52, 99, अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। राष्ट्रपति महोदया ने बिंदु क्रमांक 3 में एक और बात स्पष्ट की कि 60 साल के बाद एक ऐसा मौका आया है जब लगातार तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त करके जनता ने आशीर्वाद देकर सदन में भेजा हो। और जिस समय प्रधानमंत्री जी ने ये के बारे में ये विषय आया था, उस समय हमारे विपक्ष के साथी लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी किए थे, उनके अंदर कुछ एक बेचैनी नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने लगातार 3 बार स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके वो कार्य किया है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, और इसलिए शायद हमारे विरोधियों माननीय सुधांशु जी, माननीय HD देवगौड़ा जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आप समय उन्हें बीच में दे सकते हैं। जी जी, ऑनरेबल HD देवगौड़ा सर, आई हैव गॉट द हाईएस्ट रिगार्ड ऑल आवर सीनियर मेंबर्स wants to raise the issue of the NEET. What has happened? Lakhs and lakhs of students are suffering in the country. Please, I have no objection, but the point is, the government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 2-3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. Sir, please, sir, I am sitting in this house. I don't want to take sides. But so far as the NEET examination is concerned, what has happened? Yes, I do agree. You can't fix the responsibility because there is thousands of examiners in the whole country. Is it so easy to fix the responsibility on an individual? The examination has, of course, it has gone wrong, and the government has taken the decision. It is the right decision. The concerned minister, the concerned minister has taken the decision till the inquiry. Till the inquiry is completed, you can't. Till the inquiry is completed, you can't take responsibility and damage the image of the government. I don't agree. We have got sufficient scope to debate on the issue of the on the president address, you can discuss. But this is not the way. Unless and until the inquiry is completed, you can't fix the responsibility. I am not going to take sides, but the way in which our all elders, they are all senior leaders, they are all mature leaders. I don't know, when the inquiry is going on, how can they go on attacking the government? This is not the way. I only appeal to all mature leaders, senior leaders, please, knowing full well, you know, the entire issue. I only appeal to you not to say unnecessary, try to blame the government. The government has done its duty and the inquiry is going on. Till the inquiry report comes, the minister, HRD minister cannot take any decision, or the government cannot take any decision till the inquiry is completed and the culprit is known. Then only we can discuss about the concerned person who is responsible. I make an appeal to all these members, see that
let the house go smoothly. That's all, sir, what I can appeal. Ajax Prime Minister, बहुत मैच्योर माननीय देवगौड़ा जी, देश के बड़े सम्मानित नेता हैं, उन्होंने जो कहा आपने सुना, प्लीज माननीय माननीय सुधांशु जी, प्लीज कंटिन्यू योर स्पीच। सभापति महोदय, अभी इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य, वयोवृद्ध नेता, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय एचडी देवगौड़ा जी ने जो विचार कहे, बड़े दुख का विषय है कि 21 घंटे का समय आवंटित होने के बावजूद, सबसे वरिष्ठ सदस्य के द्वारा यह अनुरोध करने के बावजूद जिस प्रकार का आचरण दिखाया जा रहा है, इससे साफ समझ में आता है सभापति महोदय कि इनका उद्देश्य सवाल, सवाल का जवाब और जवाब के सवाल में नहीं है, इनका उद्देश्य बवाल में अधिक दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये अपोजिशन की इस नियत को भी स्पष्ट करता है। अब मैं विषय पे आता हूं, जो मैं बता रहा था कि बिंदु क्रमांक 5 पर राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि ये देश के इतिहास में 60 साल के बाद ये पहली बार एक घटना हुई है जब लगातार 3 बार किसी प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया हो। और जिस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने यह शब्द बोला था, हम सबको ध्यान है, सबसे अनेक विपक्षी सदस्यों ने अपनी अपनी सीट पर आवाजें करते हुए इसका प्रतिवाद किया था। संभवतः उनके मन में इस बात के लिए स्वीकार्यता नहीं हो पा रही थी कि यह कैसे हो गया कि लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो रिकॉर्ड जिसके ऊपर वो बहुत इतराते थे उसकी बराबरी हो गई। मगर हमारे बहुत से विपक्षी सदस्य कहते हैं कि साहब, नेहरू जी की बराबरी तो मोदी जी से नहीं हो सकती। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तीसरी बार मोदी जी चुन के आए हैं और ये मैं भी मानता हूं कि नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए तीसरी बार आने पे मैं सिर्फ 3 बिंदु दूंगा जिस पर हम मानते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती। नंबर 1, जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट चुने जाने थे, सभापति महोदय मुझे आज तक याद है, 13 सितंबर 2013 शाम 6 बजे भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी थी और मोदी जी स्वयं उसके मेंबर थे, मगर उन्होंने कहा मैं उस बैठक में नहीं आऊंगा जिसमें मेरे बारे में विचार हो रहा हो। ये होता है नैतिकता के आधार के ऊपर निर्णय। और उस समय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे तो मुझे यह दायित्व तो दिया गया था कि मैं मोदी जी को रिसीव करके अध्यक्ष के कमरे में बैठा लूं और जब बैठक समाप्त हो जाए तो सब एक साथ जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित करने के लिए। और महोदय, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड एकमत था, सारे कार्यकर्ता एकमत थे और पूरा देश एकमत था और तब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट मोदी जी घोषित हुए। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी और 20 अप्रैल को मौलाना आजाद को गांधी जी ने लेटर लिखा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और मैं चाहता हूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, परंतु इसके बावजूद उस बैठक के अंदर क्या हुआ इसका रिकॉर्ड आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, राजमोहन गांधी ने अपनी किताब सरदार पटेल और उस समय के सबसे प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में लिखा है कि एक वोट मिला पट्टाभिरमैया को और शायद 1 या 2 वोट मिले आचार्य कृपलानी को, शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को। वाकई कैसे तुलना हो सकती है, सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी। एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना, इसलिए वाकई तुलना नहीं हो सकती। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा, आज खड़गे जी अध्यक्ष बनना था तो सोनिया गांधी जी की इच्छा थी तो सारे डेलीगेट्स ने खड़गे जी को वोट कर दिया और शशि थरूर जी ने नामांकन वापस कर लिया। उस समय गांधी जी की इच्छा के बावजूद किसी ने नेहरू जी को वोट नहीं किया तो मैं कह सकता हूं आज खड़गे जी की स्थिति उस समय के नेहरू जी से बेहतर है। अब मैं दूसरा बिंदु कहना चाहता हूं कि इसमें वाकई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और खड़गे जी में तुलना नहीं हो सकती। देखिए, नेहरू जी ने के विषय में
प्रख्यात शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने काट के लिख दिया था कि उनकी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है, और उसके बाद सभापति महोदय 2 साल जेल में रहे। और यहां मोदी जी के समय में हिटलर की मौत, मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदेगी जैसी बात कहने वाले लोग तो छोड़िए, जिन्होंने बोटी बोटी की बात कही थी वो सम्मानित सदस्य होकर अगले सदन में आ गए, और इसके बावजूद किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कोई तुलना नहीं है मोदी जी और नेहरू जी की, दोनों की अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है। और एक मैं बात और कहना चाहता हूं, हमारे तीसरा बिंदु, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कितने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, इसमें भूटान, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, रूस और मालदीव। और मेरे विरोधी विशेष रूप से सुने, इसके अतिरिक्त तमाम मुस्लिम देश, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, अफगानिस्तान और विशेषकर ध्यान दें फिलिस्तीन, इतने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, जो भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। और प्रधानमंत्री जी ने किसको सर्वोच्च सम्मान दिया? हमने भारत के, हमारी सरकार ने और सरकार की बनाई समिति ने सिर्फ हमारे नेताओं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया, हमने कांग्रेस के भी नेताओं को सम्मान दिया। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को भारत रत्न मिला, मदन मोहन मालवीय जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, प्रणब मुखर्जी जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, पीवी नरसिम्हा राव जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, हमारी पार्टी के नहीं थे परंतु कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, और कांग्रेस के नेता SC जमीर और तरुण गोगोई जी को पद्म अवार्ड मिला। दूसरी तरफ नेहरू जी ने क्या किया? न किसी से अवार्ड मिला। अरे भाई, दूसरी पार्टी छोड़िए, अपनी पार्टी के सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं दिया, उन्होंने अपनी सरकार से खुद को भारत रत्न ले लिया। यानी एक मोदी जी जिन्होंने सबको भारत रत्न दिया और एक उनकी सरकार जिसमें खुद को भारत रत्न मिल गया। तो मैं मानता हूं कि इन तीनों बिंदुओं पर नेहरू जी और मोदी जी में कोई तुलना नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोदी जी नेहरू जी की तुलना में एक अतुलनीय प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने यह अतुलनीय उपलब्धि हासिल की। और एक बात और कहूंगा अंत में, वाकई दोनों में बराबरी नहीं है। हम लोग बचपन में एक बड़ा गीत था जो हमारी पीढ़ी और हमसे पहले वाली पीढ़ी ने जरूर अवश्य सुना होगा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। उसमें एक लाइन थी कि फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, वो तो फूलों की सेज पे थे, और हमारे प्रधानमंत्री जी चाय की केतली लेके प्लेटफॉर्म पे दौड़े नरेंद्र लाल। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था, वो जवाहरात के लाल थे और नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल थे, वो हीरे जवाहरात के बीच में उनका बचपन गुजरा और इन्होंने गुदड़ी के लाल ने निकलकर आज भारत माता का भाल जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है उसके लिए सारा देश उन पर गर्व करता है। अब मैं पिछली बात को छोड़कर इस पे आता हूं कि इस तीसरे टर्म में हमारी सरकार किस प्रकार की बातों पर विचार करने की तरफ ध्यान दे रही है। राष्ट्रपति महोदया ने अपने बिंदु क्रमांक 5 में इस विषय का उल्लेख किया है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आने वाली है वो है एनर्जी, और एनर्जी में ग्रीन एनर्जी। हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को बहुत पहले से ध्यान कर इस बात को समझ लिया कि आने वाला एरा ग्रीन एरा है। और याद करिए कि हमारी सरकार ने आने के बाद सबसे पहले क्या किया था, LED बल्ब देने शुरू किए थे। अब तक 37 करोड़ LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, जो अमेरिका की कुल आबादी से अधिक। उस समय हमारा अधिकतम पावर कंजम्पशन 50% से अधिक कोयले से होता था। अगर हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते थे और केवल कोयले से कंजम्पशन करते तो भारी मात्रा में कार्बन डिपोजिशन होता। ग्रीन एनर्जी का टारगेट जो हमारी सरकार ने रखा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह टारगेट रखा गया कि 2030 तक भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर जनरेशन का 40% क्लीन एनर्जी से होगा। और हमेशा सरकारों में देर में होता है कार्य, मगर महोदय मैं बताना चाहता हूं पहली बार भारत के इतिहास में वो 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय क्लीन एनर्जी का टारगेट 8 साल पहले 2022 में अचीव कर लिया गया, और अब 2030 के लिए रिवाइज टारगेट 50% क्लीन एनर्जी का हो गया है। यह दर्शाता है कि हमने कितना महत्वपूर्ण छलांग लगाई है, इसीलिए हम तीसरे नंबर की
देश बन गए हैं सोलर एनर्जी के संदर्भ में। 2014 में जहां सोलर एनर्जी 2.6 गीगावाट थी, वहीं 2023 में 66.7 गीगावाट हो गई है। और इतना ही नहीं, अब प्रधानमंत्री जी ने जो एक प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की, जिसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में है, मैं बताना चाहता हूं, लोगों के घर पे सोलर रूफटॉप्स लगेंगे और मुफ्त की बिजली प्राप्त हो रही है। और मुफ्त की बिजली के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे उनका चार्जिंग भी मुफ्त की हो जाएगी। सोचिए कि एक ऐसी योजना जिसमें किसी भी प्रकार का पर्यावरण पर आक्षेप नहीं आ रहा है, पर्यावरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मुफ्त की ऊर्जा मिल रही है, और वो भी सरकारी खजाने पर बगैर कोई बोझ डाले। जो लोग मुफ्त मुफ्त की बात करते थे, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने ईमानदारी से एक ऐसी योजना के माध्यम से देश के करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली देने का प्रयास किया है, जो अपने आप में अद्भुत और अलग है। और आगे भी हम भविष्य में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने उल्लेख किया कि स्टार्टअप के मामले में हम दुनिया के तीसरे बड़े इकोसिस्टम बन गए, मगर हम तीसरे बड़े इकोसिस्टम सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं बने। जब हमारी सरकार नहीं थी, कुछ सौ स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप है। सभापति महोदय, 1 लाख की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, 675 जिलों में से 600 जिलों में स्टार्टअप काम कर रहे हैं, ये हमारी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केवल स्टार्टअप का मतलब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये नहीं है। 675 में 600 जिलों में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के मामले में हम तीसरे बड़े सिविल एविएशन सेक्टर हो गए हैं। राष्ट्रपति महोदया ने इस बात का उल्लेख किया कि 2014 में 209 हवाई मार्ग थे और अब 905 हवाई मार्ग हो गए हैं। अब लगभग हर राज्य में एक एयरपोर्ट जरूर है। और किस प्रकार का बदलाव आया है इसका उल्लेख दीजिए कि आज दुनिया में सबसे ऊंचा पुल, दुनिया में सबसे ऊंचा पुल कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर हमारी सरकार के समय में बन के तैयार है। सबसे लंबा पुल समुद्र के ऊपर एशिया का मुंबई में हमारी सरकार के समय में तैयार हुआ है। सबसे बड़ा केबल पुल गुजरात में हमारी सरकार के समय में तैयार हुआ है। और नदी के नीचे से चलने वाली मेट्रो कोलकाता में हमारी सरकार के समय में तैयार हुई है। ये दर्शाता है कि विकास के नए प्रतिमानों पर किस प्रकार से इस सरकार के दौरान हम आगे बढ़े। देखिए, बड़े विषयों की तरफ तो अक्सर लोगों का ध्यान काफी जाता है, परंतु मैं एक चीज पर और ध्यान देना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार के समय में बहुत छोटी छोटी चीजें, उनसे देश के विकास में क्या भूमिका हो सकती है, उस तरफ ध्यान दिया गया। मैं तीन छोटी चीजों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। शहद, शहद हम सब बहुत सामान्य रूप से यूज करते हैं, हनी। शहद का निर्यात 2014 में 445 करोड़ था और 9 सालों में बढ़कर 1623 करोड़ रुपए हो गया। किसानों, खिलौना, देखिए जब हम चाइना की बात करते तो बहुत सी बात होती थी, खिलौने हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकते। इन 9 सालों में हमने 1844 करोड़ रुपए के खिलौने जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। ये हमने छोटी सी चीज में आगे बढ़ने का प्रयास किया। और दूसरी चीज जो हमारे विरोधियों को शायद याद हो, खादी, जिसका महात्मा गांधी जी के साथ बड़ा संबंध माना जाता था, हमारी मोदी जी के प्रयासों से 2014 में जो खादी का मार्केट 31,000 करोड़ रुपए का था, वो अब बढ़कर 1,35,000 करोड़ रुपए का हुआ, यानी 4 गुना अधिक खादी में हमने वृद्धि प्राप्त की है। और बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जो कि हमारी सरकार आने से पहले होती नहीं थी, जिसकी वजह से हम सिर्फ हथियार खरीदते थे और अपने आप बनाने की हमारे अंदर सामर्थ्य तो थी पर सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी। और अब स्थिति यह आई है कि अब 1,00,000 करोड़ रुपए की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इस सरकार के कार्यकाल में हो रही है। डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा 18 गुना बढ़ा है। और सभापति महोदय, 500 हमारे डिफेंस के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसे सरकार ने निर्णय लिया है कि इनका इंपोर्ट बैन, यानी जो पहले विदेश से आते थे, वो 500 प्रोडक्ट भारत में ही बनेंगे इक्विपमेंट, और वो विदेश से नहीं लिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए, जिसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदया ने किया है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल बनने का उल्लेख भी उन्होंने किया है, जो भारत की पहली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और जिसे हमने एक्सपोर्ट करने की शुरुआत की, और फिलीपींस पहला देश बना जिसने एक्सपोर्ट का ऑर्डर लिया है। सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां ब्रह्मोस मिसाइल का कोई पार्ट बने, कोई कंपोनेंट बने, ये अपने आप में कितने बड़े गर्व का विषय है। मुझे याद है
ये हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश की छवि क्या बना के रखी गई, सिनेमा क्या बनता था उत्तर प्रदेश पे, जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, तो सीरीज बनती थी मिर्जापुर, तो ओंकारा में मेरठ की गैंगवार, तो बाबर फिल्म में कानपुर की गैंगवार, तो कंपनी फिल्म में दिखाया जाता था कि जैसे कि मुंबई का सारा जो माफिया है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आ रहा है। आप सोचिए उस समय अवैध हथियारों के बनने के समाचार आते थे और अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में बनने जा रही है। इतना बड़ा नजारा बदलने के बाद भी जिनकी नजरें ही ना हो उनको नजारा कैसे नजर आ सकता है, ये समझा जा सकता है। अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 17 में राष्ट्रपति महोदया ने भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है, जिसमें विशेषकर मैं सिर्फ तीन का उल्लेख करना चाहूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये तीनों इसलिए कि इनके बारे में केवल एक डेढ़ साल पहले बहुत बितंडावाद मचाया अपनी गया। अपनी सीट पर जाए प्लीज, अपनी अपनी सीट पर जाए प्लीज। मात्र एक डेढ़ साल पहले बहुत बितंडावाद मचाया गया कि SBI डूब रहा है, LIC डूब रहा है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स नीचे जा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने बताया कि इस साल पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1,40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। पिछले क्वार्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा केवल एक तिमाही का 21,000 करोड़ रुपए है, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर सारी कंपनियों में मिला के सबसे ज्यादा है। पहली बार SBI ने रिलायंस से भी ज्यादा मुनाफा कमा के दिखाया है। LIC का पिछले क्वार्टर का मुनाफा 19,000 करोड़ रुपए है, जो LIC का ऑल टाइम हाई है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, माननीय LOP कुछ बोलना चाहते प्लीज प्लीज सर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने के लिए भी हम सरकार से इतना पूछना पड़ता है, तो ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है। मैं आपसे विनंती करता हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज की, अब आपने आदेश दिया कि सब लोग बैठे, हम बैठ गए, फिर इंस्पाइट ऑफ दैट इफ दे आर नॉट ऑनरिंग, सब बैठे भी नहीं तो सिर्फ अपना भाषण चलाते ही रहे, कौन सुनने वाला है आपका भाषण, हम तो नहीं सुन रहे। माने माने प्लीज सुनो प्लीज 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 आप प्लीज प्लीज माने मान प्लीज सर देखिए सर आप मैंने आग्रह किया सभी लोग अपनी सीट पर जाएं, जब तक नहीं गए थे आपने कहा मैं मौका दे रहा हूं, प्लीज प्लीज माने ये लोगों को बोलने दो, पॉइंट ऑफ रेजर किए हैं आप बैठे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो भी है, जब बाहर लोग थे यू अलाउ देम, मैंने कहा अलाउ, ही हैज टू विल, हां ही अलाउ, ही हैज टू विल, नहीं पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहती है प्रियंका जी, आप सहमत हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्रियंका जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप तय करिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर हां प्रियंका जी, चेयरमैन सर राइट नाउ प्लीज सर, व्हाई शुड ही, किस नियम के तहत, कौन सा सर, मैं बिल्कुल आपको नियम भी बताऊंगी सर, एंड आई एम आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई हैव बीन गिवन दिस राइट सर टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इट इज अनफेयर दैट आई हैव बीन स्क्रीमिंग नॉनस्टॉप एंड द मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन हैव बीन आस्किंग यू टू यील्ड सर, पॉइंट नंबर 259 सर, पॉइंट नंबर 259, चेयरमैन टू प्रिजर्व ऑर्डर एंड एनफोर्स डिसीजंस, द चेयरमैन शैल प्रिजर्व ऑर्डर एंड शैल हैव ऑल पावर्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग हिज डिसीजंस, सर वी हैव बीन प्रोटेस्टिंग नॉन स्टॉप, वी कैन नॉट हियर व्हाट ही इज स्पीकिंग, ही इज बीइंग अलाउड टू स्पीक व्हाइल वी आर नॉट बीइंग अलाउड टू इवन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इजंट इट योर रिस्पांसिबिलिटी सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज आई नो दैट प्लीज टेक योर सीट अलाउ, दिस इज नॉट पॉइंट ऑफ ऑर्डर, दिस इज नॉट पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज, आप बोले आप बोले। सभापति महोदय, मेरा विचार ये था, हमारे विपक्षी दल यदि हाउस ऑर्डर में होता तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर ज्यादा उपयुक्त नजर आता, परंतु मैं अब अपना विषय आगे रखने का प्रयास करता हूं कि स्टेट बैंक LIC ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में दर्ज किया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 29,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है और 80,000 करोड़ रुपए का उनका ऑर्डर पाइपलाइन में है, जो HAL को आज तक नहीं मिला था। यह दर्शाता है कि SBI, LIC और HAL ने इस सरकार के कालखंड में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल किया है।
ये दर्शाता है कि किस प्रकार का दुष्प्रचार था और किस प्रकार का यथार्थ आज आंकड़ों के आधार पर देखने को मिलता है। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय कि राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत का विश्व की विकास दर में योगदान 15% होने जा रहा है, यानी इस प्रकार से भारत अब दुनिया के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। तो इसी संदर्भ में मैं उन्हीं की बात को पुष्ट करते हुए यह बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने यह स्टेटमेंट दिया है कि भारत 15% ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करके दुनिया में ग्रोथ का इंजन बनने की भूमिका निभाने जा रहा है। एक दौर था, जब हम IMF जैसे संगठनों से चैरिटी एक्सपेक्ट करते थे, हम उनके सामने याचक बन के खड़े होते थे, और आज IMF की चीफ ये कह रही है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में याचक नहीं, उसका संचालक बन के खड़ा हुआ है। यह बात राष्ट्रपति महोदय के उस बात से बहुत स्पष्ट होती है। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने अपने समय में जिस प्रकार की सूचना क्रांति और डिजिटल रिवोल्यूशन लाया है, जिसने कि देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी और त्वरित एंड माइल डिलीवरी को इंश्योर किया है। आगे मैं आपका ध्यान सभापति महोदय आकर्षित करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 28 पर नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के संदर्भ में यह कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। नालंदा सिर्फ भारत में ज्ञान का प्रतीक नहीं था, उस ज्ञान के प्रतीक को जिस ढंग से ध्वस्त किया गया, उस ज्ञान के प्रतीक को जिस ढंग से नष्ट किया गया, यह भारत की सांस्कृतिक चेतना की वो जीवनी शक्ति का प्रतीक था कि हमारी सरकार ने उसको जिस ढंग से स्थापित किया है, वो कितना गहरा घाव था भारत के ऊपर। इसको मैं कोट करना चाहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब, जो उनकी राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर, पब्लिश बाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014, इन्हीं की सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, उनमें डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म में उन्होंने लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं उनके उस आर्टिकल से, हाउ द बुद्धिस्ट पेरिश बाई द सोर्ड ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स हैज बीन रिकॉर्डेड बाई द मुस्लिम हिस्टोरियंस देमसेल्फ। Summarizing the evidence relating to the slaughter of Buddhist monks by the Muslim generals in the course of their invasion in Bihar in 1197 AD. और आगे उन्होंने विंसेंट स्मिथ को कोट किया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक एक भिक्षु को पकड़कर किस प्रकार से मार दिया गया, कुछ लोग अपनी जान बचाकर नेपाल और तिब्बत चले गए। मगर महोदय, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप पुस्तकों को जला सकते हो, आप इमारतों को जला सकते हो, पर भारत की ज्ञान और संस्कृति की परंपरा को नहीं जला सकते हो। और इसलिए हमारी सरकार ने जो नालंदा का पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया है, वो भारत की ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने का। मगर सभापति महोदय, जब भारत की सांस्कृतिक चेतना की बात आती है, तो निश्चित रूप से हमारे मन में नालंदा, बोधगया और उसी के साथ साथ भव्य श्री राम मंदिर का विषय भी आता है। परंतु इस बार बड़ी मजेदार बात है, बड़ी मजेदार बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली, और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है। क्योंकि इस प्रकार का एक वातावरण इस देश में बनाया गया कि एक वर्ग के लिए ऑल आईज शुड बी ऑन रफा, चाहे किसी को पता हो रफा है क्या, कहां है ये ना पता हो, पर दूसरे के लिए ऑल आईज शुड नॉट बी ऑन अयोध्या। परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय, ये लोग समझ नहीं पाए, अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं, देखिए साहब आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक जैसे कई तो ऐसी सीटें थी, रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे। परंतु महोदय मैं कह रहा हूं, ये समझ नहीं पाए प्रभु की लीला क्या है,
जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, रामचरितमानस और रामायण में भी उल्लेख है कि एक बार नागपाश भगवान राम को भी लगा था और नागपाश लगने के कारण एक मूर्छा आ गई थी और तब राम विरोधी दल में बड़ी खुशियां छा गई थी, मगर वो प्रभु की लीला का हिस्सा था सिर्फ हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, आज से 30 साल पहले मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबने मिलकर सरकार बनाई थी, सपा बसपा और कांग्रेस आई ने मिलकर, तब एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मगर हम तब भी नहीं डिगे थे और जो हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, 3 साल में हमने केंद्र में सरकार बना के दिखा दी थी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी थी। अरे अब तो इतना अंतर आया है, तब आप हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं, अब आप एक एक स्थान को बता रहे हैं। आप निश्चित रहिए, जिसे एक हम लोग जो प्रसिद्ध भजन सुनते थे उसमें ये कहा गया है, जो हनुमान जी का प्रसिद्ध भजन है कि रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। परंतु चिंता मत करिए, वो शक्ति पुनः जागृत हो रही है और वो जागृत होकर हमें पुनः वहां तक पहुंचाने का प्रयास रखेगी। और एक मैं गंभीर बात करता हूं, श्री राम का विषय हमारे लिए हार जीत का विषय नहीं है। हम 2 सीटों की पार्टी थे, तब भी उतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ खड़े थे। हम 86 सीट पे भी वैसे ही खड़े थे, 120 पे वैसे ही खड़े थे, 182 पे वैसे ही खड़े थे, 282 पे वैसे ही खड़े थे, 303 पर वैसे ही खड़े और 240 पर भी वैसे ही खड़े हुए हैं। आपके लिए चुनावी हार जीत का विषय होगा, हमारे लिए चुनावी हार जीत का विषय नहीं है। परंतु हमारे ही हमें लगता है कि भारतीय समाज में भी कुछ लोगों के मन में अभी भी इसको लेकर हो सकता हमारी तपस्या में कोई कमी रही हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा भारत के सभी लोगों से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वह प्रसिद्ध पंक्ति जो उनकी कविता थी, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि अभी हमारा यह प्रयास बाकी है। तो एक पंक्ति उनकी मैं कोट करना चाहता हूं जो आज की परिस्थितियों में बहुत समीचीन लगती है कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। अब सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण और शपथ में हमारे विरोधियों ने बहुत बार संविधान का विषय बहुत उठाया और राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 28 पर संविधान और संविधान से जुड़े विषयों के बारे में बात कही। मगर महत्वपूर्ण बात यह है सभापति महोदय कि संविधान इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इन लोगों ने अपने समय में संविधान में क्या किया और किस भावना से प्रेरित किया, मैं 3 उदाहरणों के कंपैरिजन से बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, सितंबर 1934 में नाजी पार्टी का न्यूरम्बर्ग में कन्वेंशन हुआ जिसमें नाजियों की बड़ी प्रसिद्ध फिल्म ट्रायंफ ऑफ द विल का मंचन हुआ और उस मंचन के बाद हिटलर के राइट हैंड आदमी रुडोल्फ हेस ने नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और ठीक वही नारा 1976 में कांग्रेस के देवकांत बरुआ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने लगाया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। यानी सोचिए कि ये किन विचारों से प्रेरित थे और संविधान कितने बड़े खतरे में था। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, 26 अप्रैल 1942 को जर्मनी की संसद रीस्टैग को संबोधित करते हुए हिटलर ने कहा जजों को कि जो जज आज के युग की आवश्यकता नहीं समझते, मैं इंटरवीन भी करूंगा, उनको सुपरसीड भी करूंगा और उन्हें पद से भी हटाऊंगा। और ठीक यही काम 24 अप्रैल 1973 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया जब उन्होंने जजेस को सुपरसीड किया और कमिटेड जुडिशरी की बात कही। अर्थात संविधान के ऊपर खतरा और संविधान से किस प्रकार की परिस्थितियां थी आज की पीढ़ी को याद नहीं होगा। 38वां और 39वां संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कोई जुडिशरी इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती है। वो लोग आकर आज कहते हैं कि वो संविधान की रक्षा करने वाले हैं। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं,
श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी जैसे नेता को हाथ में हथकड़ी लगाकर सड़क के ऊपर चलाया गया, वो लोग आज कहते हैं कि इनको संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता है। और 42वां संविधान संशोधन ऐसा संविधान संशोधन था महोदय जिसमें 40 आर्टिकल बदले गए, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए चैप्टर जोड़ दिए गए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे संविधान की आत्मा कहा था उस आत्मा को भी बदल दिया गया, वो लोग आज कहते हैं। और आज प्रेस की स्वतंत्रता की बात कहते हैं, उस समय जो अखबार छपते थे तो पीआईबी को एक एक लाइन वेट करानी पड़ती थी पीआईबी से, तब जाके समाचार पत्र में कुछ छपता था। और जिसके लिए उस जमाने में एक मशहूर शेर बोला गया, आप सबको पता होगा कि उर्दू के बड़े प्रसिद्ध शायर गालिब हुए हैं, मीर तकी मीर हुए हैं, शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक हुए हैं, तो लोगों ने दिल से दुखी होकर कहा था कि अब तो गालिब जोक साहिर मीर सरकारी, अब तो गालिब जोक साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। महोदय मगर इतना ही नहीं था, यह सिर्फ इमरजेंसी का विषय नहीं था। मैं याद दिलाना चाहता हूं जब जब ये सत्ता में आए संविधान खतरे में आया। श्री राजीव गांधी जी जब सत्ता में आए और सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया और वो निर्णय शरिया के विरुद्ध नजर आया तो इस देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया, संविधान खतरे में था। और तब हमने उसका विरोध किया। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं दुनिया में कोई एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया संविधान से ऊपर होता हो, यह सिर्फ हमारे देश में था और संविधान सबसे बड़े खतरे में था। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में ढांचा गिरने पर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी गई, समझ में आता है भाजपा की सारी सरकारें बर्खास्त कर दी गई किस आधार पे, संविधान खतरे में था। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड जिसमें साबित हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने पैसा लेकर कांग्रेस की सरकार को बचाया है, उस समय जुडिशियल इम्यूनिटी थी, अब कोर्ट ने उसको हटाया है, संविधान खतरे में था। जब जब ये सत्ता में आते हैं संविधान खतरे में आता है। और सभापति महोदय अब मैं ये कहना चाहूंगा, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, मैं देश की प्रभुत्व जनता से पूछना चाहता हूं, ये बताइए देश की सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है संविधान के हिसाब से, यूनियन कैबिनेट, ये यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई, ये संविधान को खतरे में डालना नहीं था क्या, संविधान खतरे में था। और ये बताइए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन को कैबिनेट का रैंक था और वो रैंक असंवैधानिक था। लोगों को याद नहीं होगा मार्च 2006 में श्रीमती सोनिया गांधी जी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे के ऊपर इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वह पद असंवैधानिक था। और यह भी याद होना चाहिए इसी सदन के सदस्य हैं, जय बच्चन जी को पहले इस्तीफा दिलवाया गया, उस चक्कर में खुद भी इस्तीफा देना पड़ गया था, बाद में जब वो रीएलेक्ट होकर आई उस बीच में संविधान संशोधन करके नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन के पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर कर दिया गया। संविधान से खिलवाड़ करने वाले लोग आज हमें यह बताते हैं 10 साल तक इस देश ने सुपर पीएम सुना, संविधान खतरे में नहीं था, संविधान खतरे में था। और जिस समय देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी यूनियन कैबिनेट कोई प्रस्ताव पारित करती है और उसके प्रस्ताव को कोई कहे कि मैं पब्लिकली चीर के फेंक दूंगा, यह संविधान के चिन्ह उड़ाना है, यह संविधान खतरे में था। संविधान उनके जमाने में हमेशा खतरे में रहा है और हमने हमेशा संविधान का बचाव किया है। और मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, संविधान को इतना ही खतरे में नहीं डाला है। मार्च 2006 में केरल की विधानसभा में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है जिसमें सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित होता है कि कोयंबटूर हमले के ब्लास्ट का मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी जो तमिलनाडु के जेल में बंद है उसे रिहा कर दिया जाए। और 117 के 117 विधायक सारे कांग्रेसी सारे कम्युनिस्ट उसके पक्ष में वोट करते हैं, यानी एक आतंकवाद के आरोपी के पक्ष में विधानसभा का प्रयोग करना, यह संविधान खतरे में था। जब जब इनके हाथ में सत्ता आई है संविधान खतरे में रहा है। और सभापति महोदय मैं ये भी बताना चाहता हूं ये कहानी यहीं पे नहीं रुकी, अब जब हम सत्ता में और विपक्ष में, याद करिए इन्होंने सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, सीए केंद्र के द्वारा पारित कानून है, क्या संसद के द्वारा पारित कानून के विरुद्ध कोई राज्य विधानसभा चुनाव कोई प्रस्ताव पारित कर सकती है, नहीं, ऐसा करना संविधान को खतरे में डालना। और इनके समय में संविधान को इन्होंने फिर खतरे में डाला। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सीए नागरिकता से जुड़ा विषय था,
नागरिकता केंद्र का विषय उसका प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, इसके बावजूद नागरिकता से जुड़े केंद्र के कानून पर प्रदेश की सरकारें इनकी प्रस्ताव पारित करें, ये संविधान खतरे में डालें। फिर भी मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, दो नेता जेल में चले गए तो इनको लगता है कि संविधान खतरे में आ गया और इनको लगता है कि वो न्यायिक कार्रवाई के तहत नहीं गए, तो मैं अपने विरोधियों के सुलभ संज्ञान के लिए याद दिला देना चाहता हूं कि ये क्या 2014 के बाद ही हुआ है। सोनिया जी और राहुल जी को जिस नेशनल हेराल्ड केस में बॉन्ड लेना पड़ा वो 2013 अक्टूबर में दर्ज हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी जी और ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कलमाडी जी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा जी सीएम झारखंड जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह जी मायावती पे 2006-07 में डिस्प्लोमेट नजर का केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 1997 में जेल गए, जयललिता 1996 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 1987 में लगे, FIR 1990 में हुई। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ 30 साल से देख रहे हैं सभापति महोदय, हम लोग छात्र जीवन से प्रौढ़ावस्था में आ गए, जेल में अंदर बाहर आने जाने का खेल देखते हुए, और अब हमसे कहते हैं कि 2014 के बाद ये है। वास्तविकता ये है कि संविधान के साथ खिलवाड़ सदैव इन्होंने किया है, इसलिए मैं इनके लिए एक लाइन कहना चाहूँगा। उसके बावजूद ये किस ढंग की भाषा और आचरण प्रयोग करते हैं, तो मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। और राष्ट्रपति महोदया ने अपने अंतिम बिंदु में यह कहा कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र के लिए उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि डिजिटल रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था भारत, जिसके बारे में कहा जाता था यहां साक्षरता और समझ का दर कम है तो ये देश कैसे अडॉप्ट होगा। मोदी जी ने आने के बाद जो डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया है, आज दुनिया में होने वाले डिजिटल ट्रांजेक्शन का 46% भारत में होता है, 46% जो हमारे बाद आने वाले 4 देशों में मिलाकर भी कम है। और यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने अंतिम समय में अंतिम बात करते हुए एक चीज कोट की थी कि पूरी दुनिया में, उन्होंने वेदों के एक वाक्य को कोट किया राष्ट्रपति महोदया ने, जिसका जो उन्होंने बोला था समानो मंत्र समिति समानी, अर्थात सभी लोग समान रूप से आए और एक समान रूप से आगे बढ़े और एक साथ आगे आए। मगर सभापति महोदय मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, आज से कुछ साल पहले डिस्कवरी चैनल पे एक प्रोग्राम आता था माइकल वुड्स स्टोरी ऑफ इंडिया, जिसमें उसने कहा कि इंडिया में वो पोटेंशियल है कि अगर इंडिया अपने पोटेंशियल को सही ढंग से प्रयोग करेगा तो बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी इंडिया विल बी द बिगेस्ट नेशन एंड रिचेस्ट नेशन ऑन दिस अर्थ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है सभापति महोदय, उसने कहा इंडिया विल बी द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट नेशन ऑन दिस अर्थ द प्लेस एट विच इट रिमेन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री, अर्थात वो जो हमारा अतीत था वो हम प्राप्त करके रहेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी लोग किस विचार की बात करते हैं, इनके मन में सुनिए, इनके एक बहुत बड़े आइडियोलॉजिकल थिंकर थे जो चुनाव के दौरान क्या बोले कि उत्तर भारतीय यूरोपियों से हैं तो पश्चिम वाले अरब वालों से जुड़े हैं, तो पूरब वाले चीन वाले से हैं, दक्षिण वाले अफ्रीका वालों से हैं। वैसे सुनिए, वो इस्तीफा दिए थे फिर रीइंस्टेट हो गए, यानी केवल चुनाव के लिए था, वो चेहरे का नकाब उतर गया है। तो मैं उन्हें एक बताना चाहता हूं कि महोदय आपको पता नहीं है भारतीयों के भारत की वास्तविकता क्या थी और आपके मन में गुलामी की मानसिकता क्या भरी हुई है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अरब के लोग भारत के बारे में क्या सोचते थे, या अरब के कई हिस्टोरियंस जिसमें इब्न असीर, इब्न कतीर, इब्न खल्दून ने ये वर्ड यूज किया है अजीजुल ली इल्मीन इन बिलादुल इन हिंद, अर्थात द कूल ब्रीज ऑफ विजडम कम्स फ्रॉम द लैंड ऑफ इंडिया, और ये हमको समझाते हैं हम उधर से आए। और मैं
प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, जाके चेक कर लीजिए। टेक योर सीट, टेक योर। वुड यू लाइक टू मेक एन अपील टू देम? सभापति जी, मैं सदन के नेता के रूप में मुझे पहली बार बोलने का सौभाग्य मिला है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सोचता था कि मेरी शुरुआत कोई अच्छे प्लेजेंट्रीज के साथ शुरू होगी और मैं प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ चल रही विषयों के बारे में प्रजातांत्रिक तरीके से चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे दुख के साथ बताना पड़ता है कि यह जो एल्डर हाउस है, यह जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हाउस है, यहां पर जिस तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ताक पर रखकर ये हाउस को होस्टेज बनाने का प्रयास हो रहा है, हाउस को एक तरीके से कार्य करने में जो रुकावट पैदा की जा रही है। ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकेंड, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, व्हाट इज हैपनिंग? Is this you should be doing it? You are virtually dancing. And Sagarika Ghosh, Sagarika Ghosh, you write column every week. This is what you have earned all your life. What's wrong with Priyanka Chaturvedi? Priyanka Chaturvedi, what's wrong with you? Honorable members, it has been a day. कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बाकायदा डिस्कशन हुआ जिसमें डिप्टी लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी भी उपस्थित थे, तृणमूल कांग्रेस के भी लोग उपस्थित थे, सभी पार्टियों के लोग उपस्थित थे और वहां ये निर्णय हुआ था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए We will allocate 21 hours, 21 घंटे दिए जाएंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए 21 घंटे कभी भी एलोकेट नहीं हुए हैं। मैं चेयर का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन वहां सहमति होने के बावजूद आज सवेरे सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का जो विषय लाया गया, ऐसा नहीं है, नीट पहले भी था, नीट का विषय बीएससी में भी आ सकता था, लेकिन मनसा नहीं थी, मनसा हाउस को डिस्टर्ब करने की थी और इसलिए आज सस्पेंशन लेकर के आए और सस्पेंशन ऑफ रूल्स और बिजनेस को करके ये इस तरीके की स्थिति खड़ी की गई। मैं यहाँ अध्यक्ष महोदय आपसे बोलना चाहता हूँ दैट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्टी कमिटेड थी कि उन्होंने डिस्कशन नहीं करना है, दे वर प्री डिसाइडेड एंड दे वर प्री डिटरमिन्ड, दैट इज व्हाई आई फाइंड दैट इन द स्पीकर्स लिस्ट, इन द लिस्ट देयर इज नो नेम ऑफ कांग्रेस पार्टी, दिस शोज दैट दे वर नॉट सीरियस अबाउट द डिबेट एंड राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद में 21 घंटे में जितनी बात आपको एनईईटी पर करनी है उसका पूरा मौका मिलता है और सरकार जवाब देने के लिए तत्पर भी है और जवाब देगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, वन सेकेंड, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में
इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं, भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। द हाउस स्टैंड्स अर्जेंट टू 2 PM।